नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी स्ट्रेस से जुड़ी बीमारी है। लगातार तनाव में रहने या सोचने की शक्ति पर कंट्रोल न होने पर कोई भी शख्स ओसीडी का शिकार हो सकता है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ने इसे न्यूरोटिक यानी दिमागी बीमारी की कैटेगरी में रखा है। इसके शुरुआती लक्षण किसी साइकोलॉजिकल बीमारी की तरह ही होते हैं, लेकिन इलाज ना मिले तो ये दिमाग की संरचना भी बदल सकता है। यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या है साफ सफाई वाली बीमारी ओसीडी और ये कितना खतरनाक हो सकती है। साथ ही आज आपको बताएंगे क्यों इसके इलाज के लिए कोर्ट से परमिशन की जरूरत है। ओसीडी के दो हिस्से, ऑब्सेशन पार्ट, दूसरा कंपल्सिव पार्ट। ऑब्सेशन पार्ट, इससे बीमार इंसान अपने दिमाग और ख्यालों पर कंट्रोल नहीं रख पाता। ओसीडी के मरीज के दिमाग में डर, बेचैनी, खुद पर शक करना, खुद को दूसरे से कम आंकना जैसे ख्याल हावी होने लगते हैं। ये बीमारी का ऑब्सेशन वाला पहलू है। कंपल्सिव पार्ट, इससे उबरने के लिए बीमार इंसान हर काम को किसी भी कीमत पर सही ढंग से पूरा करना चाहता है। अपनी तरफ से हमेशा परफेक्ट काम करने की इच्छा दिमाग को अच्छा महसूस कराती है, जबकि ऐसा ना होने पर खुद से घृणा होने लगती है और इंसान हारा हुआ महसूस करता है। इससे बचने के लिए और परफेक्ट रहने की इच्छा को पूरा करने के लिए बीमार व्यक्ति का दिमाग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। ये इस बीमारी का कंपल्सिव पहलू है। ओसीडी में किन चीजों का ऑब्सेशन होता है? साफ सफाई का ऑब्सेशन, किसी से हाथ मिलाने के बाद सबसे पहले हाथ धोना, टॉवल, लैपटॉप, बर्तन, मोबाइल, सूटकेस जैसे सामान को बार बार साफ करना। परफेक्ट होने का ऑब्सेशन, सफाई करने के दौरान कोई जरूरी कागज फेंक देने का डर, गलती करने का डर। परफेक्ट होने का ऑब्सेशन, कुछ याद ना आने पर बहुत ज्यादा परेशान होना, सही कैलकुलेशन न कर पाने का डर। भूलने का ऑब्सेशन, रूम या अलमारी लॉक न करने का डर, बैग या पर्स की चेन को बार बार चेक करना, गैस लाइट के स्विच कई बार चेक करना और उसको लेकर परेशान रहना, चाबी खो देने का डर सताना। स्वस्थ रहने का ऑब्सेशन, बीमार पड़ने पर जरूरत से ज्यादा दवाइयां लेना, जरूरत से ज्यादा साफ सफाई बरतना, बीमारी की असली वजह को पहचानने के लिए बार बार मेडिकल टेस्ट करवाना। नेशनल हेल्थ पोर्टल के मुताबिक भारत में हर 100 में से 3 लोग ओसीडी के शिकार हैं। इस बीमारी का असर किस व्यक्ति पर कितना होगा, ये दो फैक्टर पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति की लाइफस्टाइल पर, जो इंसान अपने काम, परिवार या पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस में है, वो सबसे पहले उस पार्ट को सही करने की कोशिश करता है। इस प्रोसेस में ओसीडी इतना हावी हो जाता है कि इंसान अपने आसपास मौजूद हर चीज को परफेक्ट रखना चाहता है। बीमारी का स्तर, एक छोटा टास्क बिल्कुल सही ढंग से पूरा कर लेने पर दिमाग में डोपामाइन नामक एक हार्मोन रिलीज होता है। इससे संतुष्टि और खुशी महसूस होती है। बार बार इस हार्मोन की वजह से मिली संतुष्टि से इंसान कंपल्सन की चपेट में आने लगता है। इस तरह से बीमारी का स्तर बढ़ने लगता है। ओसीडी को कैसे पहचाना जा सकता है? अगर कोई इंसान एक तय पैटर्न में दिन में कई बार हाथ धोए, नहाने या बाथरूम जाने का भी पैटर्न हो, दांत को देर तक ब्रश करे, बार बार अपने सामान, कपड़ों, दफ्तर के काम या दवाई के प्रिस्क्रिप्शन को चेक करे, एक काम को परफेक्शन के साथ करने की कोशिश करें, अगर गंदगी देखने के बाद फौरन साफ सफाई में जुट जाए या सफाई की प्लानिंग करने लगे, अपने घर के अलावा दूसरे के घर या पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को भी साफ करने के बहाने ढूंढें, दूसरों के पालतू जानवर या चिड़िया को नहलाने के लिए बार बार पूछे, तो संभव है कि वो इंसान ओसीडी का शिकार है। ओसीडी की साइकिल है सबसे ज्यादा खतरनाक। जब कभी कोई काम पूरा नहीं होता तो ओसीडी ब्रेन इस बात को स्वीकार नहीं करता। हर छोटी चीज, हर छोटे काम को बिल्कुल परफेक्ट करने की कोशिश में लगा रहता है। ऐसे इंसान को किसी भी छोटे मोटे काम के सही न होने पर हारने जैसा महसूस होता है।
उदाहरण के तौर पर कपड़े ठीक से साफ ना हो पाए या हड़बड़ी में काम में गलती हो जाए, तो ओसीडी ग्रसित दिमाग में डोपामाइन का लेवल कम होता जाता है और निराशा बढ़ने लगती है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के मुताबिक भारत में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी के लिए कोर्ट और मेडिकल बोर्ड की अनुमति की जरूरत होती है। भारत में ये इलाज ज़्यादा कॉमन नहीं है। ब्रेन थेरेपी और दवाइयों का कोई असर ना होने पर सर्जरी की अनुमति दी जाती है। ओसीडी का इलाज क्या है? ब्रेन थेरेपी और दवाइयाँ। ओसीडी का सबसे असरदार इलाज ब्रेन थेरेपी और दवाइयाँ हैं। इसमें काउंसलिंग और छोटी छोटी एक्सरसाइज के जरिए इलाज किया जाता है। अगर थेरेपी का कोई असर न हो तो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करके मॉनिटर किया जाता है। ब्रेन सर्जरी। जिन लोगों पर थेरेपी का कोई असर नहीं होता उनको सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। सर्जरी में ब्रेन का वो हिस्सा जो ज्यादा सेंसिटिव हो उसे ठीक किया जाता है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। इस ट्रीटमेंट में ब्रेन में दो इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं, इसको प्लग किया जाता है जिससे प्लस पैदा होता है। तो आज आपने जाना ओसीडी की बीमारी के बारे में और ये कितना खतरनाक हो सकता है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वाले में।